स्काई चैनल 772 पर ये कांशी टेलीविज़न है। कांशी टेलीविज़न सारे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, साउथ अमेरिका में, जहाँ जहाँ पर भी एशियन लोग रहते हैं वहाँ पर देखा जाता है। कांशी टेलीविज़न यूनाइटेड किंगडम बर्मिंगहम हिलटॉप से ट्रांसमिट करता है और इस वक्त आपकी सेवा में हम वेस्ट ब्रॉमविच से बोल रहे हैं। मैं विकी गिल और मोमी जी आपकी सेवा में आज एक कार्यक्रम पेश करेंगे। हर हफ्ते की तरह आज भी एक कार्यक्रम होगा, लेकिन आज का कार्यक्रम दूसरे प्रोग्राम से अलग होगा क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। जय गुरुदेव। ऊपर वाले की मेहरबानी से आज हम सकुशल हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 2020 में हमने अपने कितने ही साथियों को खो दिया है और कितने ही लोग अभी भी बीमार हैं। आज क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस। आज बड़ा दिन है, उमंगों का दिन है, उम्मीदों का दिन है और उसके साथ आज होप का दिन है, पीस का दिन है। आज होप करें कि अगले साल भी इसी तरह से हम अच्छे माहौल में बैठकर बातें करें और जिंदा हों, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, और जो लोग बीमार हैं उनके जल्दी कुशल हो जाने के लिए अगर हो सके तो उनकी बहुत सेवा करें। आज क्रिसमस है तो क्रिसमस में कोई ना कोई बात हम लोगों से हो जाती है, इस वजह से आप अपने घर बैठ के आराम से इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाएं और मैं दिल लगाकर आपकी सेवा में इस प्रोग्राम को पेश करूंगा मोमी जी के साथ। आज वैसे तो आपके यहाँ भी मेहमान आए होंगे और यहाँ पर भी मेहमान आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मेहमान तो फिर कभी आते रहेंगे, आपके साथ मिलकर बैठकर बातचीत किए बहुत दिन हो गए हैं, तो इसलिए आपको एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। देखिए, कांशी टेलीविज़न अपनी तरह का एक अनूठा टेलीविज़न है और एक अनोखा टेलीविज़न है। इसकी जो प्रोग्राम्स हैं दिन में 24 घंटे आपकी सेवा तो करते ही हैं, लेकिन आप जो खास करके बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं इस बात को ज़रा गौर से सुने। वो ये कि आज अगर आपका एडवर्टाइजमेंट कांशी टेलीविज़न पे चलता हो तो वो हर तरह के लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे जो कांशी टेलीविज़न के प्रेजेंटर्स हैं वो हर मज़हब के हैं और हर तरह के प्रेजेंटर्स हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि इस टेलीविज़न को सिर्फ सिख देखते हैं, हिंदू नहीं देखते, हिंदू देखते हैं, मुस्लिम्स नहीं देखते। यही एक ऐसा टेलीविज़न है सारे बर्मिंगहम में, इनफैक्ट सारे यूरोप में कहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें कि हर तरह के लोग काम करते हैं। तो फिर और रेट्स भी हमारे बहुत वाजिबी हैं। अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट कांशी टेलीविज़न पर ही करवाइए और ज़रूर करवाइए, और वो करवाने के लिए मुझसे बातचीत कीजिए। पलक झपकते ही मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इससे पहले कि आप कुछ सोचेंगे, मैं जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट बना के मोमी जी के हवाले करूंगा। इससे पहले कि आपको ख्वाब आएगा कोई, मोमी जी इस एडवर्टाइजमेंट को बना के टेलीविज़न पर लगा देंगे और आप देखेंगे कि बाहर आपके जो बिज़नेस की जगह है वहाँ पर लंबी लाइन लग जाएगी ग्राहकों की, और अगर ग्राहक ना हो तो फिर बिज़नेस का स्वाद नहीं आता। आपको अच्छी तरह से इस बात का मालूम है। तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए या फिर कांशी टेलीविज़न के स्टूडियो में टेलीफोन कीजिए। और हाँ, आप देखते हैं कि कांशी टेलीविज़न पर बामकसद प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ के होते रहते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को और ख़ास करके मेरे प्रोग्राम्स को जो कि अभी शुरू होने हैं उनको ज़रूर स्पॉन्सर किया करें, क्योंकि जब आप स्पॉन्सर करेंगे एक तरह से आप एजुकेशन को बढ़ाते हैं, एक तरह से आप दीन की हेल्प करते हैं, और थर्डली जो लोग प्रेजेंटर्स आते हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो जाती है, और हमारा जो टेलीविज़न है वो प्रेजेंटर को भी अच्छे पैसे देता है, ऑफकोर्स ख़ुद भी रखता है। हम ऐसी जगहों की तरह नहीं है कि सारे पैसे छुपा ले तो प्रेजेंटर तेला भी ना देता। आगे आप सारे के सारे भाई और बहन खुद से आने हैं कि इल्म हमेशा दौलत का एहसान मंद रहा है, तो हम भी यहाँ पर एहसान मंद हैं दौलत के, और इल्म आपके सेवा में हम पेश करते हैं। पिछले दिनों बहुत नुकसान हुआ है,
वैसे तो क्रिसमस का दिन है, खुशी की बातें करनी चाहिए। क्रिसमस के खुसूसी स्पेशल प्रोग्राम्स आज सारा दिन ही काशी टेलीविज़न पर चलते रहेंगे, तो उनको आप देखते रहेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है हम खुशियों के साथ मनाएंगे। क्रिसमस की जानकारी जो है वो तो आपको पहले ही है। आपको कुछ बताना या आपको कुछ दिखाना तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि सूरज को एक दिया दिखाना है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आप बहुत बड़े महारथी हैं, इसलिए आपको तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता। तो आज आपकी सेवा में एक परछाई की कहानी सुनाई जाएगी। वो एक तरह से क्रिसमस के साथ मिलती जुलती है। क्रिसमस होते हैं तो प्रेजेंट्स भी होते हैं। कुछ लोग प्रेजेंट्स देकर बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट्स लेकर बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट्स देते भी हैं और कुछ लोग प्रेजेंट्स लेते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना प्रेजेंट्स लेते हैं ना प्रेजेंट्स देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट्स जब मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उन प्रेजेंट्स को संभाल के रखते हैं, और जब भी उस प्रेजेंट की तरफ देखते हैं वो जिन्होंने उस प्रेजेंट को दिया है उसको याद करते हैं। क्रिसमस का दिन हो और आपके क्रिसमस ट्री के नीचे कोई प्रेजेंट ही ना पड़ा हो, ये बड़ी बदकिस्मती होती है। या आप उन लोगों में से हैं जो कि कहते हैं नहीं जी नहीं, असी नहीं प्रेजेंट किसी तो लेंदे होंदे हैं, कोई 2 पौंड की चीज़ दे देगा और उसके बाद फिर सानू पता नहीं कीड़ा काम करने वास्ते कहेगा। ऐसे लोग जाहिल होते हैं और इन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसे लोगों के पास भी खड़े नहीं होना चाहिए। ये जाहिलों की बात हो रही है, ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये एक लिखी हुई बात है। जाहिलों से ऊपर वाला हमेशा हर किसी को बचा के रखे। लेकिन आज ये जाहिलों का प्रोग्राम थोड़ी है ना। आप भी सियाणे और मैं तो सियाणों का सियाणा, और मोमी जी का तो कहना ही कुछ नहीं। तो फिर आइए, ये जो प्रेजेंट्स की बात है इसके ऊपर बेस्ड ये कहानी है। प्रेजेंट्स की जब बात आती है तो क्वीन एलिजाबेथ II हमारी महारानी, जो कि मेरी बुआ लगती हैं, मेरी फूफो है, तो उनसे सीखना चाहिए। क्वीन एलिजाबेथ ने एक कमरा बनाया हुआ है बहुत बड़ा, और जब से वो थ्रोन पर आई हैं राज सिंहासन पर, तब से उनको जितने प्रेजेंट्स मिले हैं वो उस कमरे में सजा कर बैठती हैं, और हर प्रेजेंट उन्होंने डेट लिखी है और किसने दिया है वो भी लिखा हुआ है। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले की बात है कि क्वीन एलिजाबेथ को जब उनकी शादी हुई थी तो महात्मा गांधी ने उनको एक खुद सूत के धागे से काट के ना एक प्रिंट भेजा था, खद्दर का कपड़ा था, उसके ऊपर कढ़ाई करके भेजा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था जय भारत लिखा था, और वो क्वीन को दिया था। तो क्वीन प्राइम मिनिस्टर को जो इस वक्त के वहाँ के हैं उनको उन्होंने भेजा था, लेकिन देखो कितना संभाल के रखा था। तो आप भी अगर ऐसे लोगों में से आते हैं जो कि कहते हैं नहीं जी नहीं इसी प्रेजेंट नहीं लेना, तो आप किसी का दिल दुखाते हैं। ऐसा ना किया करें, प्रेजेंट ले लिया करें, और आप इतने भोले तो है नहीं कि कोई आपसे कुछ ले लेगा। तो प्रेजेंट के ऊपर, और कुछ लोग जो नाशुक्रे होते हैं प्रेजेंट्स को लेकर मुकर जाते हैं और उनके दिल में हमेशा चोर होता है, ऐसे किसी की कहानी परछाई के साथ जो रिलेटेड थी वो आपकी सेवा में पेश की जाएगी। खास करके उन लोगों के लिए जो लोग दूसरों को प्रेजेंट्स देते हैं और सामने वाला नाशुकरा निकलता है और उस वजह से उनका दिल दुखता है। इससे पहले कि परछाई की कहानी आपकी सेवा में पेश की जाए, आइए एक जो बहुत नुकसान हो गया है, भारत और पाकिस्तान हमारे लिए एक है, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान में हमारे लिए कोई सरहद नहीं है। हम लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, हम जब मर्जी कहीं भी चले जाते हैं और हम जा सकते हैं और जाना चाहिए। जो कोई इंडियन पाकिस्तान नहीं गया उसको ये नहीं पता कि प्यार क्या होता है। आज भी वहाँ प्यार है, आज भी वहाँ की मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, आज भी वहाँ पर लोग बेमतलब आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं। उनके दिल में कोई बात नहीं होती, उनका कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ आपको प्यार करते हैं। पाकिस्तानी बहुत प्यार वाले लोग होते हैं, इंडियन भी होते हैं, लेकिन बात पाकिस्तानियों की हो रही है इस वजह से कहा जा रहा है। और पाकिस्तान में भी क्रिसमस मनाया जाता है, जो ईसाई कम्युनिटी के लोग वहाँ पर हैं, मिलो मील आप चलते रहें
जैसे भी वहाँ पर मकान हैं उनके ऊपर रोशनियाँ, चांदनियाँ, पता नहीं क्या क्या लगी होती। फिर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने दुनिया को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। मलिका तरन्नुम, मैडम नूर जहाँ का तो कहना ही क्या, जिस फिल्म में उन्होंने गाया हो वो फिल्म तो फिर सारी दुनिया में चलती ही है। और जब मैडम पाकिस्तान चली गई थी वहाँ पर फिल्में बनाने लगी थी। कुछ सालों तक तो मैडम की फिल्में इंडिया आती रहीं, लेकिन फिर उसके बाद आपको मालूम है कि हालात किस तरह के रहे, तो उधर की फिल्में उधर रह गईं और इधर की फिल्में इधर रह गईं। स्मगलिंग शुरू हो गई थी और वो भी खोतियों पर। खोती तो आप समझते ना, एक खोता होता है, खोता मेरे जैसा, और खोतियाँ होती हैं, लेडी डोंकी को खोती कहते हैं। तो नदी तो है बीच में या फिर एक बाढ़ है, कई जगह पे बाढ़ भी नहीं है, खेत है। तो फिर उरली तरफ खोती के ऊपर वीडियो कैसेट्स लाद दिए जाते थे, एड्रेस लिख दिया जाता था और खोती को किक मारते थे, खोती सरहद के पार दगड़ 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 करती चली जाती थी। इधर से खोती को लोड करके फिर भेज दिया जाता था। तो इस तरह से जो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ प्यार है वो इसी तरह से चलता है। आजकल स्मगलिंग के जो मेथड्स हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, लेकिन वो खोतियों की कहानी आज भी हर किसी को याद है। पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी हीर रांझा, आपको याद होगा। उसमें जो हीर बनी थी उस एक्ट्रेस का नाम था फिरदौस बेगम। और फिर आपको वो गाना याद होगा, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खौरे माही किथे रह गया। ये गाना मलिका तरन्नुम, मैडम नूर जहाँ ने गाया था, लेकिन ये गाना फिरदौस पर फिल्माया गया था। पिछले हफ्ते फिरदौस इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में चली गई। बहुत बड़ी अदाकारा थी, उन्होंने अपना कोई पैसा वेस्ट नहीं किया। जितना कमाया उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े प्लॉट खरीदे, उसके ऊपर दुकानें बनाई और अपने नाम से लाहौर में फिरदौस मार्केट बनाई। फिरदौस मार्केट बन गई और फिरदौस मार्केट के ऊपर मकान बना के फिरदौस रहने लगी। एक उम्र के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। फिल्मों में काम करना छोड़ के वो अपने बिजनेस को मैनेज करने लगी। सारी उम्र फिर वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह रही। वो लोगों के यहाँ जाती थी, बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, प्रेजेंट्स देती थी, हर कोई उनको बहुत प्यार करता था। एक लंबी उम्र के बाद वो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद उनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन 3 दिन बाद, कोरोना नहीं हुआ था, 3 दिन के बाद बस नेचुरली सोई सोई की जान निकल गई और फिरदौस इस दुनिया से रुखसत हो गई। पाकिस्तान की हीर चली गई। और इतने बड़े बड़े कलाकार जब इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की उस फिल्म हीर रांझा को देखकर इंडिया ने अपनी भी हीर रांझा बनाई थी। अब बहुत सारे लोग जो इस वक्त सुन रहे होंगे इंडियन, उनको ये शिकायत हो जाएगी, नहीं जी नहीं, साड़ी हीर रांझा पहले बनी थी, पाकिस्तान ने बाद में बनाई थी। बिल्कुल नहीं बनाई थी, आप डेट्स देखें, मैंने चेक किया है, पाकिस्तान की हीर रांझा पहले बनी थी, फिर प्रिया राजवंश और राजकुमार ने बनाई थी। हमारी मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है, उस फिल्म का गाना बहुत मशहूर था। परली तरफ जो बनी थी फिरदौस वाली, विवंजली वालड़िया वे गल पुल्लीना, वो आपको याद होगा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये राजकुमार ने उस फिल्म में गाया था, मतलब मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, राजकुमार पर फिल्म आया गया था। आज फिरदौस हमारे बीच नहीं है, आज मलिका तरन्नुम, मैडम नूर जहाँ भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े कलाकार जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो मरते नहीं हैं, वो भगवान के घर जाकर उनके गेस्ट हाउस में सो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया में काम कर करके बहुत थक जाते हैं। ऊपर जाकर वो लंबे समय के लिए आराम करते हैं और नीचे हम उनका इंतज़ार करते हैं कि एक बार फिर से वैसे लोग आएंगे या वो लोग आएंगे और वैसे ही हमको तरह तरह की चीज़ें सुनाएंगे या फिर दिखाएंगे। उसी तरह से फिरदौस भी हमसे बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन उनकी फिल्में हमारे बीच हैं, उनके गाना हमारे बीच है, उनका जो अच्छा अखलाक था, उनका जो प्यार था, वो जो एक दूसरे से मोहब्बत करती थी, इसलिए वो सारे लाहौर में नहीं, सारे पाकिस्तान में जानी जाती हैं।
और जहाँ जहाँ पर उनके जानने वाले रहते थे वो उनको टेलीफोन करती थीं, चिट्ठियाँ लिखती थीं, उनको प्रेजेंट्स देती थीं, प्रेजेंट्स लेती भी थीं, और वो सब लोग उनको बहुत याद करते हैं। क्योंकि फिल्मों को छोड़े एक लंबा अरसा हो गया था, तो जब फिरदौस मरी हैं तो जो उनके ज़माने की एक्ट्रेसेस थी, नीशो थी, एक दो और भी थी जिनका नाम मुझे भूल गया, वो सारी बेचारियाँ अपने बुरके पा के इनके लगा के आई थी और उन्होंने वहाँ पर खिराद अकीदत पेश किया था। और जो नए कलाकार हैं वो तो जानते भी नहीं थे, या जानते भी होंगे तो आए नहीं थे, हर किसी को अपना अपना काम होता है। लेकिन फिरदौस मार्केट के दुकानदार जो थे, जो उनके किराएदार थे, बाकी उनके जो रिश्तेदार थे, आपको मालूम है जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका जब वो जनाजा निकलता है तो ज़्यादातर आदमी ही होते हैं, तो वो सारे आदमियों के बीच में गए थे, सबके चेहरे पर उदासी थी। हाय बेचारी फिरदौस, मंजी के ऊपर पड़ी हुई थी, काली ऊपर चद्दर पड़ी हुई थी। शाम का टाइम था जब उनका जनाजा गया। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कांशी टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। बस प्रोग्राम का पहला हिस्सा ख़त्म हो गया, अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। और दूसरे हिस्से में आज ये आपकी पुरजोर फरमाइश पर और पुरजोर कोशिश पर, आपको मालूम है बहुत साल पहले मैं ये काम करना यहाँ कांशी टीवी पे शुरू किया था, फिर उसके बाद इल हेल्थ की वजह से बीच में मैं आता नहीं था लेकिन ऑफिस में आता रहता था। तो उस वक्त आपने हंस राज जी को इतना परेशान किया था कि इनू कहो परछाई सुनावे, इनू कहो परछाई सुनावे, तो अब परछाई आपकी सेवा में आती है। और तहजीब में परछाई आती है, परछाई को तहजीब भी है, आपको भी है ऑफ कोर्स, इसीलिए आप परछाई से इतनी मोहब्बत करते हैं। आज स्पेशल परछाई आपको सुनाने के लिए मैं लाल कमीज पहन के आया हूँ, ये मेरी बहन ने मुझे ख़रीद कर दी थी और त्योहारों पर पहनने के लिए कहा था। तो आज क्रिसमस है एंड मैरी क्रिसमस, और क्रिसमस के दिन ब्राइट कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए मैं एंड ब्राइट हो के वाल खोल के आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। ये मेरे अपने हैं, ये ना सोचना मैंने वीग लगाई हुई है, वीग होती तो मैं यहाँ फ्रिंज भी बना लेता क्योंकि माथा बहुत ऊँचा। आइए परछाई शुरू करते हैं। आज की परछाई वोलसोल में रहती थी। परछाई का एक भाई था, उसके दिमाग में खराबी थी। परछाई की दो बहनों की शादी हो चुकी थी। हेपेटाइटिस बी के साथ परछाई की माँ मर गई थी और परछाई का बाप ना होने के बराबर था, शराब पीता था। शराब पीने के बाद जो उसके सामने आता था उसकी पिटाई करता था। जब घर में आता था तो परछाई दुबक कर अपने कमरे में बैठी अपना काम करती रहती थी। छोटी उम्र से ही परछाई पार्ट टाइम काम करने लग गई थी और अब कार्डमोर रोड पर एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में परछाई एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। सुबह होते ही परछाई तैयार होकर रिसेप्शनिस्ट के यहाँ की अपनी पोस्ट पर जाती थी और प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ जाकर बैठ जाती थी। परछाई बला की खूबसूरत थी। परछाई को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था। पास ही में एक दुकान थी जहाँ चाइनीज़ सस्ता स्टफ़ मिलता था, ट्रेंडी कपड़े मिलते थे। वहाँ का जो दुकानदार था मालिक, वो अपनी दुकान में कम और पास के रेस्टोरेंट में ऊँची ऊँची आवाज़ में खड़ा हुआ अक्सर बोलता हुआ नज़र आया करता था। उसकी दुकान इतनी नहीं चलती थी तो उसने वहाँ पर सब्जियाँ बेचना भी शुरू कर दिया था। प्रॉपर्टी डीलर का दुकान भी काम भी थोड़ा ढीला ही था। जो उस दुकान का मालिक था प्रॉपर्टी डीलर, धीरे धीरे उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसका मुंह मोटा होता जा रहा था और उसका मुंह इतना मोटा हो गया था कि ऐसे लगता था जैसे कि उसके मुंह के ऊपर एक एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। परछाई बहुत क्रिएटिव थी और परछाई को खूबसूरती से बहुत लगाव था। खूबसूरत थी, खूबसूरत चीज़ों को बहुत पसंद करती थी। ऊपर वाला भी खूबसूरत है, परछाई का ऊपर वाले में बहुत प्यार था और ऊपर वाले को ही अपना साथी बना के परछाई चलती थी। कई बार परछाई ने सोचा मैं शादी कर लूँ, मगर फिर परछाई ने कहा अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरी फैमिली की देखभाल कौन करेगा। ये सोचकर परछाई शादी की जब रिश्ते की बात चलती तो उसको टाल जाया करती थी, बात बदल देती थी।
उठकर चली जाती थी, या फिर पास ही में एक मंदिर था वहाँ माथा टेकने चली जाती थी, वहाँ के बाबे के साथ परछाई का बड़ा प्यार था, इसलिए परछाई के उसके साथ बैठकर दुख सुख कर लिया करती थी। और उसका एक बहुत खूबसूरत पोता भी था, परछाई अक्सर उसको आते जाते हुए देखा करती थी। पोते को भी पता था कि ये मुझे पसंद करती है, लेकिन वो इग्नोर मारा करता था। परछाई उसके हर इग्नोर पर हल्का सा मुस्कुरा दिया करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन परछाई शाम को काम ख़त्म करने के बाद अपने घर आ रही थी। पास ही एक सुपरमार्केट थी, सुपरमार्केट से परछाई ने सब्ज़ी ली, और सब्ज़ी लेने के बाद जब आगे जा रही थी तो हेयर ड्रेसर की तरफ देखा। हेयर ड्रेसर हल्का सा मुस्कुराया और परछाई ने नीचे देखा। फिर पास में एक बस स्टॉप था, बस अड्डे पर परछाई ने देखा एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसकी हाइट तो इतनी नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी का अंग अंग बोलता था। उसके ब्रॉड शोल्डर्स थे, चौड़ी छाती थी, पतली कमर थी, और उसकी टांगें वर वेरी स्ट्रांग, जैसे कि वो चल काफ़ी वॉक करता होगा। उसके पांव इतने लंबे नहीं थे, छोटे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे उसको कोई 7 नंबर की जुत्ती आती होगी। और उसके हाथ भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, वेरी शेपली, वेरी नाइस गोरे कलर के हाथ थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हो, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के लोग काफ़ी खूबसूरत लोग होते हैं, तो उसकी बॉडी उसी तरह से थी जैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों की होती है। उसके करली बाल थे और बड़े अच्छे शॉर्ट कटे हुए बाल थे। परछाई ने उसको देखा, परछाई वहीं ठिठक कर रुक गई। जाने क्या हुआ, परछाई के दिल में एक आवाज़ आई कि चलो इससे बात करते हैं। ऐसी क्या बात है, पुरानी यहाँ रहती हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं, कोई दंगा फसाद थोड़ी हो सकता है, और मैं कौन सा इसको छेड़ने लगी हूँ, पता नहीं कौन है। आजकल वोलसोल में स्टूडेंट्स भी बहुत आ गए हैं, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो सकता है इसको किसी मदद की ज़रूरत है, हो सकता है इसको कोई बर्तन भांडे की ज़रूरत हो, तो मैं इसकी मदद कर सकती हूँ, और इंसान को हमेशा मदद करनी चाहिए, तो देखूँ तो सही कौन है, इतना खूबसूरत है, ये भी किसी माँ का बेटा है, और मौसम भी यहाँ ऐसा ही रहता है, चलो बात करते हैं। परछाई बस अड्डे पर जाकर उस लड़के के साथ खड़ी हो गई। वहाँ खड़ी होने के बाद वो लड़का एक ही तरफ आधी आंखों को झुकाकर बिल्कुल ऐसे देख ही जा रहा था। देखते देखते परछाई की तरफ जब उसे नहीं देखा तो परछाई ने कहा, आप यहाँ नए आए हैं, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उस लड़के ने कहा, जी। परछाई ने कहा, नए आए हैं? लड़के ने कहा, जी। परछाई ने कहा, अच्छा कहाँ से आए? लड़के ने कहा, मैं ब्रैडफोर्ड से आया। परछाई ने कहा, ब्रैडफोर्ड से? और वो वॉल्सोल में यहाँ क्या करने आए? ब्रैडफोर्ड से तो लोग लंदन जाते हैं, मैनचेस्टर जाते हैं, वॉल्सोल तो आ नहीं जाते, क्या आप हरियाणा के हैं? क्योंकि हरियाणा के बहुत से लोग वॉल्सोल में रहते हैं। उस लड़के ने कहा, नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, और क्योंकि वॉल्सोल में सस्ते मकान मिल जाते हैं और ख़ास करके इस एरिया में, तो मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। परछाई ने कहा, अच्छा आप बहुत सुंदर हैं। लड़के ने कहा, थैंक यू। परछाई की खूबसूरती की उसने तारीफ ही नहीं की। परछाई ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये कोई बदमाश थोड़ी है, ये कोई हंडा हुआ तो है नहीं है, अच्छा आदमी है, इसीलिए नहीं की। परछाई ने कहा, तो अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लड़के ने कहा, मैं बर्मिंघम टाउन सेंटर जा रहा हूँ, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। परछाई ने कहा, अच्छा टिकट भी बहुत महंगी है। लड़के ने कहा, मैंने पास बनवा रखा है, कहकर उसने जेब से पास निकाल कर परछाई को दिखाया। परछाई मुस्कुराई, मुस्कुराकर बोली,
मैं फिर मिलना चाहूँगी। लड़के ने कहा, कल शाम को यहीं पर मिलते हैं, फिर चाय पी कर आएंगे। परछाई ने कहा, ठीक है। अगले दिन का इंतज़ार करते 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 सालों बीत गए। हाय, एक एक मिनट नहीं गुजर रहा था, क्या बताया जाए। सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई। परछाई के बाप ने दरवाजे में से देखा तो परछाई ने आंखें बंद कर ली, मगर उसे एक मिनट भी नींद नहीं आई। सुबह हो गई, परछाई 8 बजे ही तैयार हो गई। 9 बजे सारा दिन कंप्यूटर की तरफ देखते 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 गुजर गया। दो दो साल के बाद 1 घंटा गुजरा और फिर वो टाइम हो गया जब मिलने का टाइम था, 5:15। 5 बजे फटाफट परछाई ने अपना पर्स बंद किया, कॉपी पेंसिल एवरीथिंग, और जल्दी जल्दी बाय बाय अपने बड़े सारे मुंह वाले प्रॉपर्टी डीलर मालिक को कह के परछाई जाकर फिर बस अड्डे पर खड़ी हो गई। पास ही में रिजवान की सब्जी की दुकान थी। रिजवान ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा, परछाई चुप करके खड़ी थी। इतने में मस्त चाल से चलता हुआ वो लड़का आया और आकर परछाई के पास खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं बोला। परछाई ने कहा, आप आ गए? लड़के ने कहा, परछाई ने कहा, यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं, चाय पीते हैं। परछाई उस रेस्टोरेंट में उस लड़के को ले गई। वहाँ जाकर उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने कहा, प्रशांत। परछाई ने कहा, अच्छा, मैं परछाई हूँ। प्रशांत ने कहा, जी। और काउंटर के पीछे जो लड़का खड़ा था वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। परछाई ने कहा, एक्सक्यूज मी, 2 चाय प्लीज़। लड़का मुस्कुराता मुस्कुराता बड़ी मतवाली चाल से पास के किचन में चला गया और वहाँ पर 2 चाय कहकर दोबारा से आके खड़ा हो गया और अपना काम मुस्कुराते हुए करने लगा। परछाई के साथ उस लड़के ने बातें की, बातों बातों में माँ बाप का भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया कि शादी हुई है कि नहीं, बातों बातों में किस जात का है ये भी पूछ लिया, उसका सरनेम क्या है ये भी पूछ लिया, अपना भी बता दिया। और फिर उसके बाद चाय आ गई, दोनों ने चाय पी। चाय पीने के बाद परछाई ने घड़ी की तरफ देखा, कहा, हाय ये टाइम हो गया, आपके साथ तो वक्त का पता ही नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। लड़के ने कहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मिल लेंगे। परछाई ने सोचा कि ये उठकर अब जाकर चाय वाले के पैसे देगा, वो उठाई नहीं। परछाई ने कहा, अच्छा चलते हैं। लड़के ने कहा, ओके, और वो उठ के खड़ा हो गया। परछाई ने अपनी चुन्नी का पल्ला पीछे किया, कोट के बटन आगे से बंद किए और बालों को पीछे करके काउंटर पर जाके बोला, कितने पैसे? काउंटर के पीछे वाला लड़का मुस्कुराया, उसका नाम विकास था। विकास मुस्कुराया और मुस्कुरा कर उस लड़के की तरफ देखा। लड़का पास ही में सामने लगे हुए टेलीविज़न की तरफ देख रहा था। उसने परछाई को बोला, 2 पाउंड। परछाई ने कहा, 2 पाउंड? 2 पाउंड की भी चाय होती है कभी? 2 पाउंड की चाय कभी सुनी भी है? 1 पाउंड ले ले। फिर थोड़ा शर्मा के कि इतनी जल्दी मुझे इसके सामने, प्रशांत के सामने खुलना नहीं चाहिए, तो कहा, 2 पाउंड? अच्छा अच्छा 2 पाउंड दे देती हूँ। तो 2 पाउंड देकर परछाई चल पड़ी, लेकिन मन ही मन में भुनभुनाती रही और बोला कि कल आके तेरी खबर लूँगी अच्छी तरह से, 2 पाउंड ले लिया मुझसे चाय के। और फिर दुकान के बाहर निकल कर लड़का बोला, मुझे कुछ कॉलेज का काम करना है, मैं अब चलता हूँ। परछाई ने कहा, फिर कब? लड़के ने कहा, अगले सैटरडे मिलते हैं। परछाई ने कहा, कहाँ? लड़के ने कहा, वो ये कालमो रोड से आप इधर चले जाए ना तो कॉर्पोरेशन स्ट्रीट है, कॉर्पोरेशन स्ट्रीट से आप आगे चले जाए ना तो वहाँ क्वीन स्ट्रीट आती है, क्वीन स्ट्रीट से आप आगे चले जाए ना तो वहाँ पर सिस्टर एगाथा पार्क है। तो
वहाँ मिलते हैं शाम को 5 बजे सैटरडे को। परछाई ने कहा अच्छा। बस घर आ गई, बाप की जलीकट्टी सुनती रही, पागल भाई की दवाई करती रही। पागल भाई कभी इधर तो कभी उधर घूमता रहा। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया। एक दिन डिशवॉशर में बर्तन रखे थे, दूसरे दिन कपड़े धो लिए थे, तीसरे दिन प्रेस कर ली थी, चौथे दिन अपने बालों में मेहंदी लगा ली थी, पांचवें दिन अपनी बाहों पर वैक्सिंग कर ली थी। आहा, सैटरडे आ गया। सैटरडे को परछाई का वक्त नहीं गुजर रहा था, क्या करते, बड़ी मुश्किल हो गई थी। परछाई ने शाम को काम पर अपने मालिक को कहा कि मैंने अपने फादर को कहीं लेकर जाना है, आप मेहरबानी होगी अगर मुझे 15 मिनट पहले छोड़ दें। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा 15 मिनट की क्या बात है, आधा घंटा पहले चली जाओ। परछाई ने कहा नहीं नहीं, सिर्फ 15 मिनट। उसने कहा ओके। परछाई पूरे 4:45 बजे तगो दो करती भागी सीधी सिस्टर एगेथा पार्क। उस दिन खास तैयार हुई थी, उसने क्रीम कलर का चूड़ीदार पजामा पहना था, नीचे हुक लगे हुए थे और क्रीम कलर की ही पेंसिल हील पहनी थी जिसकी हील काफ़ी लंबी थी। और फिर उसने बगैर चाकों का आशा पारेख जैसा लंबा कमीज पहना था और लंबी सी चुन्नी क्रीम कलर की ली थी, लंबे लंबे बालों को खोला हुआ था और चेहरे पर कुछ खास मेकअप नहीं किया हुआ था। परछाई नहीं चाहती थी कि उसका मेकअप किसी के कपड़ों पर लग जाए। उसने हल्की किस्म की क्रीम कलर की ही लिपस्टिक लगा रखी थी। सिस्टर एगेथा पार्क पहुंची, वहाँ पर बहुत सी बेंचों पर कुछ वेस्ट इंडियन जेंटलमैन बैठे थे, कुछ एशियन भी बैठे थे, कुछ ड्रग डीलर्स भी घूम रहे थे और चारों तरफ यूज की हुई ड्रग्स की नीडल्स भी फैली हुई थी जो कि वहाँ का आम मंजर है। और वहाँ की जो काउंसिल है वो भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करती, कितनी परवाह करे, आजकल पार्क्स इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ये बड़े दुख की बात है। और वहाँ पर वीड की खुशबू भी आ रही थी। सिस्टर एगेथा की बहन और उसकी कुछ रिश्तेदारों की कब्रों के पीछे पेड़ों का झुरमुट है। परछाई वहाँ जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद परछाई का मोबाइल बजा तो उस लड़के ने कहा वेयर आर यू। परछाई ने कहा राइट हियर और उसने अपना हाथ ऐसे ऊपर हिलाया जैसे कि एक नालायक स्टूडेंट टीचर के बताए हुए सवाल का जवाब बताने के लिए तेज़ी से ऐसे से हिलाता है ताकि टीचर उसे ना पूछे। वो लड़का परछाई के पास आकर बैठ गया। कुछ बॉडी ओडर की स्मेल आ रही थी। परछाई ने कहा तुम्हें डिओडोरेंट अच्छा लगता है? उस लड़के ने कहा दरअसल मैं बहुत तेज़ी में आया हूँ ना, तो इस वजह से शायद कोई स्मेल आ रही हो, सॉरी। परछाई ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, तुम्हारे पास से कोई स्मेल नहीं आ रही। परछाई ने ध्यान से देखा, उस लड़के के कपड़े कुछ घटिया किस्म के थे, सस्ते और कुछ अच्छे भी नहीं थे। परछाई ने मन ही मन कहा कि अगर मैंने इसे दोस्ती रखनी है तो क्यों ना मैं इसको अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूँ, इसको एक राजकुमार जैसा सजाऊँ जैसा मैं इसको देखना चाहती हूँ, ऐसे किसी के साथ मैं चलती हुई अच्छी लगूँ, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे कपड़े लेकर दूँ। देर रात तक दोनों सिस्टर एगेथा पार्क में बैठे रहे। दोनों ने हाथ पकड़ रखा था। फिर धीरे धीरे परछाई ने अपनी गर्दन ऊंची करके अपना सर उस लड़के के कंधे पर रख दिया। धीरे धीरे उस लड़के ने अपने होंठों को परछाई की गर्दन पर लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आए, इतने करीब कि दोनों की नाक एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गई। दोनों के होंठ एक दूसरे के बहुत करीब थे लेकिन दोनों ने शर्म का पर्दा रखा। थोड़ी देर के बाद एक तूफान आया और दोनों ने एक दूसरे को कस के गले से लगा लिया। सारी रात एक दूसरे को कहानियां सुनाते सुनाते बीत गई। पता ही नहीं लगा कब सुबह के 6:45 हो गए। और जब 6:45 हो गए
तो परछाई ने कहा, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, व्हाट इज द टाइम। ये कहकर वो फटाफट दोनों जने वहां से चले गए। अगले दिन मिलने का वादा तय हुआ था। परछाई उसको बाजार लेकर गई। बाजार ले जाकर उसको कपड़े लेकर दिए, बहुत से कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, क्वालिटी के नाइस नाइस कपड़े ले लेने के बाद जब काउंटर पे पहुंचे तो परछाई ने ये नहीं देखा कि लड़का जेब से कोई पर्स निकाले। परछाई ने खुद पैसे निकाल के देने की कोशिश की तो लड़के ने कहा, परछाई ने कहा, मैंने तुम्हें लेकर दिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम ये पहनो। तुम्हारे पास पहनने के लिए बहुत से हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती हूँ जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ, तो तुम मेरे कपड़े पहना करो और जो अपने पुराने कपड़े ना घर में पहन लिया करो, ये अपने यहाँ पहन के आया करो। लड़का हल्का सा मुस्कुराया। बाहर आने के बाद कपड़े के बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स होल्ड करने के बाद उस लड़के ने सोचा कि मैं अब क्यों ना इसको इनवाइट करूं। लड़के ने कहा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको अपने घर इनवाइट करूं? कालमो रोड से एक सड़क ऑफ होती है, वहाँ पर मेरा कमरा है, मैंने एक मकान में कमरा ले रखा है। परछाई ने कहा, वही हमारा महल है, तुम बुलाओ मैं ज़रूर आऊँगी, बुलाओ ना मुझे। लड़के ने कहा, यह कम ओवर। परछाई ने कहा, ठीक है, मैं कल शाम को प्रोग्राम अपना जॉब ख़त्म करने के बाद वहाँ आ जाऊँगी। जॉब ख़त्म हो गई और परछाई कमरे पर पहुँची। कमरे में एक सिंगल बेड था, बहुत पुराना, वो साइड से टूटा हुआ था और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, खिड़कियां सारी बंद थीं, डबल ग्लेजिंग नहीं थी, जो लकड़ी की खिड़कियां थीं वो कील से ठोकी हुई थी। जिस मकान में वो रहता था वो मकान ऐसा था जैसा कि मकान मालिक ने उसके ऊपर ग्रांट ले ली होती है और अभी रिपेयर वर्क शुरू नहीं हुआ होता, तो उसी तरह के मकान में परछाई बैठी हुई थी। और परछाई को उस लड़के ने कहा, यहाँ आके बैठ जाइए। परछाई ने कहा, अच्छा। संकुचाती हुई परछाई बेड पर आकर बैठ गई। जब बेड पर आकर बैठी तो ट्रिंग करके बेड की बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई। लड़का बेड पर लेटा हुआ था। परछाई थोड़ी देर प्रशांत के पास बैठी रही, फिर प्रशांत ने अपनी बांह को ऐसे किया तो परछाई उसकी बांह के ऊपर सर रख के लेट गई। काफ़ी देर तक दोनों चुपचाप लेटे रहे, हिल नहीं सकते थे क्योंकि जैसे ही हिलते थे वैसे ही बेड में से चर्र चर्र करके आवाज़ें आती थीं और आसपास के लड़के इधर उधर घूमना शुरू कर देते थे कि शायद अंदर कोई सीन चल रहा है, लेकिन कोई सीन नहीं चला और परछाई बाहर आ गई। बाहर आते परछाई ने घर में आके सोचा कि किसी बहाने से इसको मैं एक डबल बेड लेकर दूंगी और फिर कमरे में पंखा होना तो बहुत ज़रूरी है। अगले ही दिन पास में एक दुकान थी, वहाँ पर परछाई गई, वहाँ पर जाकर एक पंखा ख़रीदा और शाम को फिर मुलाकात हुई बस अड्डे पर। बस अड्डे पर जब मुलाकात हुई तो परछाई ने कहा, मैं आज शाम तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ, चाहे तुम हाँ कहो चाहे तुम ना कहो, मैं तो ज़रूर आऊँगी। लड़के ने कहा, आ जाना। परछाई फिर आ गई और साथ में पंखा भी लेकर आई। पंखा चलाकर परछाई बैठी, परछाई के लंबे लंबे बाल उड़ रहे थे, परछाई बहुत खुश हो रही थी, लड़का भी बहुत खुश था, नया पंखा आ गया था, अब गर्मी में अच्छी नींद आ जाया करेगी। दोनों काफ़ी देर बैठे रहे, फिर परछाई जाने को हुई तो उस लड़के ने परछाई का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, परछाई उसकी आंखों की जबान समझ गई। परछाई उसके बहुत पास आ गई। बहुत पास आ जाने के बाद परछाई ने उसको कहा, देखो शादी से पहले ये पाप है, और कह के उसको धक्का मार के परछाई भाग गई हंसती हुई। वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया था लेकिन मुस्कुराहट भी नहीं आई, एक तरह से वो कुगुवट्टा सा ही था। कुगुवट्टा तो आप समझते ही होंगे, उस तरह का था। फिर अगले हफ्ते वहाँ पर पास में
एक बहुत बड़ी दुकान थी फर्नीचर की, परछाई ने वहाँ पर शीशों वाला एक बेड ऑर्डर किया और मन ही मन कहा कि ये बेड मैं प्रशांत को सरप्राइज दूंगी। और प्रशांत को उसने मोबाइल किया और कहा आज शाम को 6 बजे अपने घर ज़रूर रहना, मैं नहीं आ रही लेकिन एक सरप्राइज़ है, पर शाम 6 बजे वहाँ होना तुम्हें मेरी कसम, प्रॉमिस प्रॉमिस, रहोगे ना? लड़के ने कहा रहूँगा। परचय ने कहा ठीक है। तो शाम को पूरे 6 बजे कॉरपोरेशन स्ट्रीट पर जो फर्नीचर की दुकान है नाना जी की दुकान के आगे, वहाँ से एक ब्यूटीफुल बेड लड़के के कमरे में चला गया। तो अगले दिन परछाई बेड देखने के लिए आई, लड़का 6 बजे अपने घर ज़रूर आ जाया करता था। परछाई फिनिश होने के बाद वहाँ पर आई, दोनों जने पहले बेड पर बैठे, एक उधर एक इधर, फिर दोनों ने बेड के ऊपर टांगे कर ली, फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक दूसरे को चूमते हुए दोनों बेड के ऊपर लेट गए, लेट गए फिर एक दूसरे को गले से लगा दिया। सांसों का तूफान आया लेकिन कोई सीन नहीं हुआ और दोनों रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की तरफ देखते रहे। लड़का कुछ निराश हो गया लेकिन परछाई अपनी वो सब सीमाएं जो कि एक शरीफ लड़की को शादी से पहले नहीं लांघनी चाहिए नहीं लांघी, उस वक्त बिल्कुल नहीं लांघी। और काफ़ी देर वहाँ रहने के बाद और वो गाना धीरे धीरे गाने के बाद, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम आपकी कसम। दरअसल ये गाना मैंने आपको जल्दी जल्दी सुनाया है, किसी दिन धीरे धीरे भी सुनाऊंगा। जल्दी जल्दी इसलिए सुनाया क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त मोमी जी आए और ऐसे कर दें तो कहानी ख़त्म करनी पड़े, इसलिए जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। बस मोमी जी के हाथ में तलवार ही नहीं है लेकिन वो अदृश्य तलवार हर वक्त मेरे सर पे लटकती रहती। एंड देन परछाई उठी अपने कपड़े कुपड़े ठीक करने के बाद बिल्कुल एक शरीफ लड़की बनके। परछाई ने कहा अब मैं चलती हूँ। लड़के ने कहा कहाँ मानेंगी आप, और कहकर वो चली गई। लड़का ब्रेडफोर्ड से आया था या कहाँ से आया था ये तो पता नहीं लेकिन परछाई उसको अपना दिल दे बैठी थी। परछाई की सारी सहेलियाँ कहती थी चोर है एक नंबर का, बच के रह, इसका क्या भरोसा है, तू रोज़ वहाँ जाके बैठ जाती है, हाय अगर तेरा रेप हो जाए फिर तू क्या करेगी, तेरे डैडी क्या करेंगे हैं। परछाई कहती है ऐसे थोड़ी होता है, यूँ नहीं होता, वो तो बड़ा ही शरीफ आदमी है। परछाई ने किसी की बात नहीं मानी, सारी दुनिया ने कहा बच के, परछाई ने मजा ले के मानी हो बच के। परछाई रोज़ पहुँच जाती थी, कभी ये दे कभी वो दे, कभी ये दे कभी वो दे। बस फिर क्या था, उस लड़के ने एक दिन कहा देखो जो मैं चाहता हूँ वो तो तुम मानती नहीं हो हैं, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि तुम नदी के उस किनारे पर हो और मैं नदी के इस किनारे पर हूँ और हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। परछाई ने कहा एक फिजिकल अट्रैक्शन ही तो मिलन नहीं होता, मैं अपना दिल तुम्हें दे चुकी हूँ, मैं तुम्हें अपना भगवान मानती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती। लड़के ने कहा है शादी, ये शादी की बात कहाँ से आ गई, आजकल का कोई ज़माना ही शादी करने का, जितने लोगों ने शादियाँ की हैं क्या उनकी शादियाँ कामयाब हो रही हैं, आजकल तो लिव्ड इन रिलेशनशिप का ज़माना है, मैं तुम्हारे साथ लिव्ड इन रहना चाहता हूँ। परछाई ने कहा नहीं नहीं देखो मैं सारी उम्र 7 जन्म तक तुम्हारी सेवा करूँगी, तुम्हारे चरण धो धो के पिया करूँगी, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूँगी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं लिव्ड इन रिलेशनशिप नहीं चाहती, मैं परमानेंट रिलेशनशिप चाहती हूँ, मैं तुम्हारी होकर जीना चाहती हूँ, अपना लो मुझे। लड़के ने फिर गंदी सी हरकत की, परछाई ने कहा ये ठीक नहीं है। लड़के ने कहा देखो अगर ये तुम शादी की बात क्या कर रही हो,
तुम्हारी जात अलग है, मेरी जात अलग है, मेरे घर के तो कभी भी नहीं मानेंगे, हैं? तो तुम्हारे घर के भी कौन सा मान जाएंगे? मुझे तो तुम्हारे भाई से डर लगता है, वो तो पागल है। और तुम्हारा बाप अगर सड़क पे खड़ा हो जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला चालान कर देगा। परछाई ने कहा, देखो ऐसा नहीं कहते, हम सब की आपस में रिश्तेदारी होने वाली है, अब सारी दुनिया को पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो मैं धीरे धीरे अपने दहेज की चीज़ें ही तुम्हारे घर में लेकर आ रही थी, तुम्हें इतना कुछ मैंने पहनने के लिए दिया है, तुम्हें पंखा भी लेकर दिया है, तुम्हें बेड भी लेकर दिया है, और मैंने देखो तुम्हें सारा कुछ तो दे चुकी हूँ मैं, और तुम जो शादी से पहले पॉसिबल नहीं है वो नहीं हो सकता। उसके बाद कहने के परछाई अपने घर आ गई। घर आ गई और पूरा हफ्ता उस लड़के को टेलीफोन करती रही, टेलीफोन वो उठा ही नहीं रहा था। फिर अगला हफ्ता भी गुजर गया, 14 दिन हो गए, उसका एक टेलीफोन भी नहीं आया। परछाई बड़ी परेशान हो गई और दुखी उदास हो जाने के बाद बार बार अपने आप को उसके यहाँ जाने से रोकती थी, कहीं गलत कदम ना ले बैठूं, कहीं माँ बाप की इज्जत में खाक में ना मिला दूं, इसलिए जाती नहीं थी। पर एक दिन चली ही गई, कहने लगी चलो चलते हैं। परछाई जब गई तो उस मकान में ताला लगा था। परछाई ने इधर उधर देखा और लड़के जो थे आसपास के कमरों में रहते थे उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर की खड़काने पर वो दरवाज़ा खुल गया था। परछाई सीढ़ियाँ चढ़ के, सामने कमरा था उस लड़के का, जब प्रशांत का, जब वहाँ पहुँची तो ताला था और लड़कों का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा वो तो यहाँ 2 हफ्ते से हमने नहीं देखा, लैंडलॉर्ड पास के मकान में रहता है, आप उनसे पूछ लो। परछाई जल्दी से गई और दरवाज़ा खटखटाया, लैंडलॉर्ड बाहर निकला, एक बिल्कुल मरियल सा आदमी था, बिल्कुल मरियल, जैसे काला रंग था, उसके चॉकलेट कलर के दांत थे, पान खाया हुआ था, उसका निचले होंठ सुपारी खा खा के ऐसे हो गया था, ऐसे ऐसे, तो ऐसे मुंह होने के बाद वो उसे बोला कि दरवाज़ा खोलने के बाद परछाई ने कहा जी मैं परछाई हूँ। उस मकान मालिक ने कहा फिर यहाँ क्यों आइए? परछाई ने कहा जी वो प्रशांत जी ऊपर रहते थे। मकान मालिक ने कहा प्रशांत पुरशून तो हमें पता नहीं, शांता ऊपर रहता था, क्या काम है? परछाई ने कहा जी मुझे पूछना था कि वो कहाँ गए। मकान मालिक ने कहा वो तो चला गया यहाँ से। हाय, परछाई ने कहा व्हाट, चला गया यहाँ से, ये कैसे हो सकता है, उसने मुझे बताया नहीं। मकान मालिक ने कहा तो इसका तो मैंने ठेका नहीं ले रखा, तुम्हें बताया नहीं, उसकी क्या लगती हो तुम? परछाई ने कहा कुछ नहीं मेरा दोस्त था। दोस्त था, मकान मालिक ने कहा। परछाई ने कहा तो उसका सामान? मकान मालिक ने कहा कौन सा सामान? परछाई ने कहा वो ऐसे कैसे जा सकते, देखिए उसका पंखा था, उसका बेड था, हैं जी, और उसका बाकी का सामान था। मकान मालिक ने कहा देखो सूटकेस में जो कपड़े थे वो तो अपने साथ ले गया होगा वो, और उसने पिछले 6 हफ्ते से मेरा किराया नहीं दिया था, जब मैंने उसे किराया मांगा तो वो साफ कहता मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं वापस ब्रैडफोर्ड जा रहा हूँ, मेरी बुढ़ी माँ है वो बीमार है, तो मैंने जब कहा कि मैं तुझे निकलने नहीं दूंगा ऐसे, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेड ले लो, तो वो बेड मुझे दे गया, बेड तो जहाँ से लिया था ना वहाँ मैंने वापस कर दिया है कॉर्पोरेशन स्ट्रीट पे। हाय राम, मेरा बेड चला गया, तो पंखा, पंखे का क्या हुआ? तो मकान मालिक ने कहा कि वो जो रेस्टोरेंट था ना जहाँ पर तुम चाय पीने गई थी, विकास का रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में उसने बिल नहीं दिया था 6 हफ्ते से, और उनको भी कह गया मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कुछ पैसे का इंतज़ाम करो, तो वो पंखा वो रेस्टोरेंट वालों को दे गया। हाय, परछाई ने अपने सर पे हाथ मार लिया। शाम को अपनी सब सहेलियों से मिली और सबको कहानी सुनाई।
परछाई की सहेलियां खूब हंसी खूब हंसी। कुछ दिन तक परछाई उदास रही और फिर नॉर्मल हो गई। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म होता है। हर किसी देखने वाले भाई और बहन को वेरी मैरी क्रिसमस फ्रॉम कांची टेलीविजन, फ्रॉम मोमी जी, जिनकी मदद के बगैर ये प्रोग्राम कामयाब हो ही नहीं सकता था, और विकी गिल की तरफ से भी आपको वेरी 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 मैरी क्रिसमस। न्यू ईयर से पहले तो हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर आपस में बातचीत होगी, गैच प्रेश जर्मनी में कहते हैं। तब तक जब तक कि लौट कर ना हूं, कांची टेलीविजन को दिन में 24 घंटे जरूर सुनते रहिए। डॉक्टर कुलदीप संधू जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, जिनके योगदान के बगैर भी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता था। जय गुरुदेव।